शो में बहुत बजेगा, किसका बजेगा ये नहीं पता, लेकिन हमारे पास है प्यारी सी चुलबुली रेबेका। हेलो, हाउ आर यू? क्या हाल है? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? मास जी, इतने हैरान क्यों हो, इतने परेशान? आपने मेरा नाम लिया ना तो ऐसा लगा मैंने बोला जी। आए मेरी जान, कैसे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। नाराज हो? मैं किससे? हाँ, मैं तो किसी से भी नाराज नहीं हूँ। ये मुंह दिखा रहा है, इसके मुंह पर 12 बज रहे हैं ना, दिखाओ रेबेका के, देखो फुल बतीसी दिख रही है, ठीक है? उसके दोपहर के 12 बजे हुए तो इसके रात के 12 बजे हुए। अब किसने ये बजाया? ये आज गेम शो ने बजाया है। एक तरीके से हारे मैं हार गया अभी। ओह माय गॉड, जख्म कितना गहरा? जख्म टांगों का होगा, मतलब थक गई ना टांग। टांगों के जख्म है, दिल पर है? दिल पर नहीं, दिख नहीं रहा। वैसे शर्ट क्या है? ये क्या लिखा? पीनट्स। ओह नाइस। ओके रेबेका, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 16 इयर्स ओल्ड। 16, माशाल्लाह माशाल्लाह। और टिकटॉक? टिकटॉक से माशाल्लाह बहुत फेम है। ये झूठ बोल रहा है, 16 साल की नहीं है, ये बड़ी है। आपको कैसे पता? आप क्या नर्स थे जो बर्थडे आई थी तो उसको उधर मैंने देखा था, तकरीबन 18 की तो है। मैं बोलती बंदा एज करे अच्छा होता है यार, बताओ अपने एक्सपीरियंसेस बताओ जिंदगी में यार, एज इज जस्ट अ नंबर। वेल आप बताओ, टिकटॉक से शुरू किया? टिकटॉक से लाइक उससे पहले डब मैश था, एक ऐप, उसको मैं प्राइवेटली बनाती थी। डब मैश से हो? जी बिल्कुल, बहुत पुरानी हूँ, लाइक जब मैं छोटी सी थी ना तो एक्ट करना। कितनी छोटी? आई वाज लाइक 10 इयर्स ओल्ड। हाँ, 10 साल? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लाइक डब मैश बनाना, एक्टिंग करना, बट वो प्राइवेट रखती थी। जब जैसे टिकटॉक आया, लाइक म्यूजिकली था पहले तो ये, फिर मैं थोड़ा पब्लिक करने लगा। ये आई एम सो सॉरी, जो मदीरा के साथ बैठता है उसकी उर्दू तो आटा पटा हो ही जाती है, कसम खुदा की। तो इट्स ओके, लगा लगी इधर उधर हो जाए, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो फिर मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाने लगी, तो एकदम से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी, बहुत ज्यादा लोग पसंद करने लगे। और ये कितने साल पुरानी बात है? लाइक आई थिंक ये 3 साल हो गए। बिल्कुल, बहुत पुरानी हूँ मैं माशाल्लाह, बहुत पुरानी है। फिर तो इसने उम्र भी बहुत जल्दी बता दी, अगर 10 साल में 3 साल जाते, ये 13 साल की है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत सारी वीडियोस मेरी वायरल होने लगी, लोग बहुत पसंद करने लगे, लाइक ऐसा नहीं डांस कर रही हूँ या फिर कुछ ज्यादा, लेकिन वो वीडियो इतना वायरल हुआ, कोई एंटी वायरल के टीके उस वीडियो से या लाइक नहीं एक्सप्रेशन। हम जब इधर बैठे तो एक बात बड़ी गहरी चल रही थी जो मैंने सुन ली थोड़ी ये तुम्हारी बेइज्जती इसने की शो पर? इसने बेइज्जती इस तरह की के कुर्सी को नहीं बजाओ, टेबल बजाओ। नहीं, मेरी बेइज्जती इस तरह की के बस तुम बचते गए बचते गए बचते गए। मुझे बोलती है कि मुंह अच्छा ना हो तो बातें अच्छी के लिए नहीं चाहिए, तो मैंने बोला अपना तो बताती कि 10 किलो का मेकअप थोक के आके दूसरों को बोलियो कि मुंह अच्छा ना हो बातें अच्छी नहीं चाहिए। आप लोग को तो पता है मुंह अच्छा ना हो लेकिन दिल अच्छा हो तो दिल अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा तो बहुत अच्छा दिल है माशाल्लाह, ये सब अपना दिल पेश कर रहे हैं। ये तो बस जो बात हकीकत है, लाइक कहते ना कि हकीकत को फेस नहीं कर पाते, तो एग्जैक्टली माज ऐसा ही है कि मुंह अच्छा नहीं है तो बात भी बंदा नहीं अच्छी कर रहा ना। वैसे आपका तो यू नो जब एक सिंपल सी जब टैलेंट फैमिली में होता है बिल्कुल तो वो अलग ही होता है। सही बात। तो आप थोड़ा बहुत बता दे, मैंने तो बस एक चीज करी थी, अब बच्ची इतनी चलाक लोमड़ी तो है खुद ही बताएगी। तो मेरे फादर का भी हाथ इसमें, लाइक शुरू से मैंने खुद ही सपोर्ट अपने आप को किया कि मैं अपने लिए हूँ जो भी कर रही हूँ, और बहुत कॉन्फिडेंस रखा मैंने अपने ऊपर। ये नहीं कि मैं बहुत शर्मा रही हूँ या फिर मैं ये नहीं कर सकती या मैं वो नहीं कर सकती, बट मैंने कॉन्फिडेंस रखा कि मुझे ये करना है तो फिर मैंने करा। कहाँ रखा आपने कॉन्फिडेंस? हम भी वहाँ जाकर रखते हैं, हमारी पूरी कौम वहाँ जाकर रखती है, क्योंकि मुझे लगता है दो लोगों का कॉन्फिडेंस रखा हुआ है, एक रेबेका का और दूसरा इमरान खान का। जो दो जगह पर इन्होंने कॉन्फिडेंस रखी हुई है ना, समझ में नहीं आ रही है कॉन्फिडेंस आता कहाँ से। पर एनीवेज, कौन सी आपकी वीडियो इतनी वायरल हुई बताओ? मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें एक्सप्रेशन से, ओ वो जरा दिखा दूँ यहाँ, हम भी देख रहे हैं। दिखा है बड़ी प्यारी सी नन्नी मुन्नी सी गुड़िया, क्यूटनेस हम भी थोड़ा यहाँ शेयर कर ले यार। बिल्कुल क्यूट बनो, चलो रेबेका क्यूट बनो, ऐसी ही हूँ मैं ना, मतलब और क्यूट, मतलब वो जो फनी एक्सप्रेशंस जो बिटमोजी वाले। हाँ रेबेका के कई एक्सप्रेशंस है लेकिन बराबर में जो जल रहा है। Oh God, jealous people, expression इस तरह थे कि मुझे हंसी आ गई। वैसे अब मुझे पता चला तुम्हें जेरी क्यों बुलाते हैं।
क्योंकि मैं पहले इसका टॉम ढूंढ रही थी, मुझे क्या पता ये तो टिमी निकली। ये टिमी एंड जिरा है, ये जिरा। आप इसको देखकर आप कौन सा मुंह बना सकती हैं? मास्क को देखकर कौन सा मुंह बनेगा रेखा का? ये अभी पता चल जाएगा। बताओ रेखा क्या बनाओ, इसको देखो। ओके तो ये लोग, हाँ ये पता नहीं, एक मिनट जबान निकाले, एक मिनट। ये मैं पूछना चाह रही हूँ, कौन सी मुंह बन रहे थे? मैं तो ये तो जबरदस्ती मुंह बन रहे थे। अपनी वीडियोस में भी जबान निकालता हूँ, ये मैं शुरू से निकालता हूँ। तुम्हारी जबान बड़ी लंबी है, बहुत लंबी है। मसला ये ना, नाक भी लग जाएगी। कहाँ लग जाती है? नहीं लग रही, झूठे नहीं लग रही। तो ये फेम का नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है जिंदगी में? तो मेरा मतलब यही था कि रमी को कहने के कि किसी को इतना बुरा ना बोलो कि आपके हेटर्स बढ़ जाएं। तो बस इतना ही था मेरे लिए। सुनो एक मिनट, मैंने सवाल क्या बोला? आपने बोला कि मतलब कि फेम और हेटर्स मतलब इनका बताया ना आपने, आपने ये पूछा ना। नहीं मैंने मतलब कुछ फेम का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। बता रहा हूं, हाँ, नेगेटिव जैसे लोग खिंच हो जाते हैं, हर जगह कोई तस्वीर अनवांटेड ले लेता है। तो बात ये है कि जब आपको फेम मिलता है ना, जब आप आगे बढ़ने लगते हो, तो आपको सबसे पहली बात है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। ये नहीं कि आप हर जगह जा रहे हो, अपनी वैल्यू बनाओ और सेलेक्टिव रहो कि आपको ये काम करना है तो आप डिसेंट रहो। ये नहीं कि हर जगह बन रहे हो और हर जगह जा रहे हो, अपनी वैल्यू गिरा दी बिल्कुल, लोग फिर अच्छे अल्फाजों में नहीं याद रखते। तो बस वैल्यू जब ही बनती है जब आप पॉजिटिव रहते हो और अपना देखते हो कि मुझे क्या करना है आगे, सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा रखो। ये नहीं कि आप इधर उधर देखो, ये कर रहा तो मैं भी ये करूंगी या फिर ये कहीं जा रही, नहीं। सिर्फ आप हो तो आप हो। ओके अपना देखो कि मुझे ये करना है तो इंशाल्लाह जरूर हासिल करोगे भाई। वैसे एक चीज ये होती है, जब नाम होता है तो बदनाम भी इंसान होता है, ठीक है। और आप मतलब चंद लोग आपको पसंद करेंगे तो चंद लोग आपसे नफरत करेंगे, लेकिन कोई आपके पीछे लगा इतना क्या? आपने बोला यार मेरे पीछे छोड़ो। बहुत पीछे लगे हैं बट कभी मैंने कोई घर तक आ गया हो, कोई फोन नंबर तक 500-600 कॉल्स। अच्छा अगर मेरे साथ फोन नंबर पे भी कोई आता है ना तो मैं डायरेक्ट ब्लॉक कर देती हूँ, कोई इंटरेक्शन ही नहीं, बिल्कुल अपने काम से काम। माज तुम बताओ, कोई तो तुम्हारी पिक्चर लेता होगा या इधर तो? लड़कियाँ लेती हैं भाई, लड़कियाँ ही लेगी ना, लड़के लेंगे क्या? नहीं फिर भी लड़कियों को ये भी देखते हैं, फिर वो इनको देखें तो ऑब्वियसली। कैसे देखते हो जरा दिखाओ, वो कौन सी नजर से देखते हो कि लड़कियाँ बोलती आ जा पिक्चर? मैं पहली बात बताता हूँ कि लड़कियों को देखता नहीं, अगर देख लिया ना तो फिर वो हो जाती है, फायदा नहीं है इसलिए। गलत है ना, इसलिए फायदा नहीं किसी को देखना ज्यादा देर तक। क्या बात है, क्या बात है। वेल टू बी ऑनेस्ट, अली जफर के बारे में क्या बोलेंगे? बेस्ट सिंगर, बेस्ट सिंगर, ओवरऑल बेस्ट। ओके कोई एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आप दीवानगी वाला प्यार करती हो, वो दिखे तो आप जाकर जादू की जप्पी दे दो। अहसन खान हाँ बिल्कुल। Really? जी बिल्कुल। तो उनके साथ तो तुमने शो किया था। जी बिल्कुल। तो जादू की जुबी क्यों नहीं दी? वैसे वो बहुत अच्छे हैं, लाइक उनके साथ मैंने वीडियो बना ली थी, तो उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओए मां मुझे बहुत पसंद है। तो अभी तक ज्यादा मेरे मूवमेंट जो है वो दानिश सर के साथ ही है, तो मैं ज्यादा भी उनसे ही मिला हूँ, तो अभी तक मेरे फेवरेट वो ही है। अहसन खान से भी आप मिले? आप रेबेका से मिले? वो आपकी फेवरेट रेबेका से तो नहीं मिला, लेकिन रबीका से तो लाजमी मिला हूँ। रबीका रेबेका में वो रेबेका दूसरा नाम हो गया और रबीका दूसरा नाम है, तो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ। ये आप रबीका हैं? ये खुद ही अपना नाम भूल गई। वो कर रही है, मैं बोल रही हूँ चीज मेरे पास आते आते है ना बाहर चली गई। और एक्ट की वजह से ना अपना नाम ही भूल गई कि मास क्या बोल रहा है, और एक्ट करते करते अपना नाम भूल गई, मैं रबीका हूँ या रबीका हूँ, मैं रबीका हूँ या मैं रबीका हूँ। वेरी फनी। इधर तो रबीका की ना माशाल्लाह से वो जो नागिन वाली आंखें ना वो थोड़ा थोड़ा करके निकल रही है। खैर बताओ इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स, टिकटॉक पर कितने फॉलोअर्स? माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रबीका के तो 7.5 लाख होने वाले। ओके ओके। और तुम्हारे? मेरे 3 लाख हो चुके हैं। और ये डायलॉग रबीका खुद नहीं बोल सकती, ये मैं बोलने वाली हूं। उसकी जबान लड़खड़ा जाती, वो ये तुम फुटेज खा रहे हो जानकर, मासूम बन बन कर। अगर खाता तो कुछ ना कुछ तो पड़ा होता ना, तो ये फुटेज जो खाते हैं ना वो बड़े चलाक होते हैं। असल में मैंने शो किया ना तो मुझे सिखाया गया कि फुटेज किस तरह खाते, ठीक है, तो खाऊंगा मैं तो। खाओ खाओ बच्चा, ये आप ही खाए, मैं शो छोड़ के चली जाती हूं।
आप लोग ही खा लो यार ये फुटेज और ये शो। नहीं नहीं मुझे पता, अब ये वापस ढूंढ रही है, मुझे बताए मेहंदी किसने लगाए, मैं हाईलाइट ही कर लूं यार, ये मेहंदी किसने लगाए? बस लगवाई है मैंने कहीं से, शौक है मुझे। ओह वेरी नाइस वेरी नाइस। किसके प्यार में लगी है? नहीं प्यार प्यार ये सब बिल्कुल मेरी डिक्शनरी से आउट है। तो किसी की प्रमोशंस के लिए? प्रमोशन के लिए बिल्कुल। मतलब ये बच्ची ना फुल प्रमोशन पैकेजेस ये उन चीजों पर फोकस कर रही है, वो बोल रही है अभी मैं एक घंटे बाद यहाँ मेरा प्रमोशन पैकेज होगा, इससे आगे जाकर दूसरा प्रमोशन पैकेज होगा। हाँ मुझे तो यही लग रहा है, पर खैर कोई बात नहीं। अम्मी अब्बू को ऑफ कोर्स फेम जो होती है दैट आप इकलौती हो, नन्नी हो, छोटी सी हो, तो इस उम्र में फेम को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है, पढ़ाई भी साथ साथ और फेम भी। नहीं नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल। दोस्तों ने कभी ये नहीं बोला कि यार तुम तो बड़ी यू नो फेमस होने के बाद बदल गई हो, तुम्हारा भरम खत्म नहीं होते? नहीं मैं बदली नहीं हूँ, बट काफी लोग कहते कि तुम बदल गई हो यार, तुम तो दोस्ती खत्म कर दी तुमने, तुम मशहूर हो गए, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गए, तो वगैरह वगैरह, बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। पता नहीं क्यों लोग समझते हैं, खैर वक्त के साथ साथ सब चलता ही। एटीट्यूड क्या मतलब क्या आ गया उनकी नजर में? एटीट्यूड आता है बट मेरे अंदर बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, मैं बिल्कुल लाऊंगी भी नहीं कि मेरे अंदर एटीट्यूड आए कहीं से। हाँ गुरूर तो अच्छी बात है, मास तुम्हें क्या लगता है एटीट्यूड आया? असल में वो जिस तरह मुझसे पहले बात करते थे ना अपने फ्रेंड से, क्योंकि कोई काम नहीं होता था, बिजी नहीं होते थे, तो अब बिजी अगर लाइव हो जाती है ना तो दोस्त समझते यार अभी भी हमारा रिप्लाई वैसे करेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता यार ये काम कर रहा है, कुछ बिजी होगा, मोबाइल साइड में होगा, रिप्लाई नहीं कर सकता, तो उसके बाद ये कहते हैं कि तुम ना एटीट्यूड आ गया तुम्हारे अंदर, इसलिए तो हमसे बात नहीं कर रहे। और तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? हम लोग ये मैं शो में आया था जब से। कितना टाइम हुआ? शो में आने से पहले भी जानता था एज अ टिकटॉकर, रबी का नाम मुझे पता था, मतलब फैन थे, मतलब एक साथ ही बना देते थे। हाँ? जी जी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था, ज्यादा दोस्ती नहीं थी, बट जब शो में आए ना तो ज्यादा अच्छी। ये वाला जो एक ट्रेंड चल रहा है तुमने ये ट्राई किया है? मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं डांस वाली वीडियो नहीं बनाती। आप बिल्कुल नहीं, आप क्या करती हो क्या नहीं करती ये बताओ? एक्सप्रेशंस वाली वीडियो बनाती हूँ, लिप सिंक जिसमें होती है, बट डांस वगैरह बिल्कुल आउट। हाथ हिलाना? हाथ हिलाना नॉर्मल, ज्यादा नहीं बस नॉर्मल। अगर आप हीरोइन बन गए और आपको डांस करना पड़े तो? नहीं करूंगी। नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। जो पर्सनैलिटी है वो बरकरार रखनी आगे। गुड ओके जी, वेल वेल वेल, एक और सवाल मुझे तुमसे पूछना है, तुम्हारा वीडियो पार्टनर कौन है, मास है या हुसैन, दोनों में से एक, किसी एक को चूज करना है? दोस्त हैं सारे, तो किसी के साथ भी बना लेती हूँ, बट ज्यादातर वीडियो में हुसैन के साथ हैं। वैसे मुझे बताओ माज ने तुम्हें गोद लिया है? नहीं क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से तुम्हें हर सवाल मैं सवाल इससे पूछूं जवाब वो दे रहा है, ये कोई तरीका है माज? सॉरी, इनको इंटरप्ट करने की बहुत आदत है, तो ये बहुत बुरी आदत है माज। मुझे तो लग रहा है माज के टशन ही नहीं पूरे होते, टशन हम इनके उतारेंगे। ओके जी मुझे बताओ तुम लोग का पार्टनर्स होते हैं, तुम लोग वीडियोस और ये बनाते हो, तो तुम्हारे माशाल्लाह दो बड़े बड़े हैपनिंग पार्टनर्स हैं, एक है हुसैन है ना और एक है मास। दो में से किसी एक को बचाना है, कश्ती में लेकर जाना है, फेम की चढ़ाई पर चढ़ाना है, वो कौन होगा? नहीं वो बात नहीं है, है तो दोनों ही दोस्त, दोनों के साथ वीडियोस बनाती हूँ, बट लेकिन एक का तो होगा गोश्त ना, एक दोस्त को तो कटना पड़ेगा। हुसैन के साथ बहुत पहले से मैं हूँ, लाइक हम साथ में ही वीडियो ज्यादातर बनाते थे और बहुत शुरू से। मास तो खैर साल की थी? नहीं नहीं मतलब रमजान की शुरुआत की बात कर रही हूं। यू नो एक बच्चे का डायलॉग, इस बच्चे के डायलॉग जब मैं 10 साल की थी, मैं तो बोलूंगी जितने भी लोग है ना उसको 10 साल करके ना हैशटैग करो 10 साल की थी। हाँ रमजान से जब गेम शो चल रहा था, जब से हुसैन और मैं साथ में थे, तो जब से हम साथ में वीडियोस बना रहे हैं हर चीज साथ में हो रही थी, बट मास तो खैर अभी आए तो अब मास भी हैं, दोनों मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे। नहीं नहीं किसी एक को, एक एक आगे ले जाना है, एक को छोड़ना? नहीं छोड़ूंगी तो मैं दोनों में से किसी को भी, मतलब दो दो लड्डू? नहीं नहीं एज अ फ्रेंड है तो दोनों ही, मतलब वो दोस्त लड्डू ही होते ना, खुशी देते हैं। आप बताओ मास जी फेवरेट पार्टनर कौन है? मेरी फेवरेट पार्टनर तो कोई नहीं है, जैसे पहले इन्होंने ना आपको छोड़ा ना इन्होंने अपनाया, इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया दोनों को, उसने बोला छोड़ो मैं खुद ही जा रही हूं। आपने बात किन दोनों की है, तो मैं किसी को हटाऊं या किसी को कुछ करूं? अरहम अरहम
तो पहले थी लाइक, उसके बाद वीडियोस बनाता था, अब मैं नहीं बना सकता उसके बाद वीडियोस। क्यों? वो चले गई शो छोड़कर। तो डुएट नहीं कर सकते तुम लोग? डुएट तो पहले चलता था, बहुत करते थे डुएट वगैरह, अब नहीं करता। जब बंदे का दिल करता है वो कुछ भी कर सकता है, फेस टाइम पर भी वीडियो बना सकता है, आपको पता है? जी हाँ, आइडियाज दे रही हूँ। मतलब अच्छा आइडियाज दे रही है, मतलब अभी भी अट्रैक्ट रहूँ? मतलब लगे रहो ना, मतलब कोई एक बंदा बता दो। दोनों ही बड़े सेफ हो रहे हैं, इन लोगों के अंदर पॉलिटिशियन के कीड़े बैठे हुए, वो ही काट रहे हैं। डिप्लोमेटिक जवाब। हाँ जी, मुझे ये बताओ इसके अलावा 10 साल आगे where do you guys see yourself stand? मैं तो बिजनेस करने का सोचा था मैंने। ठीक है, मीडिया, अम्मी अबू, दूल्हा, अम्मी अबू तो दुल्हन, पापा की जो ख्वाहिश है वो है मीडिया। सही, वो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को मीडिया पे देखूं। ठीक है, और मेरी जो ख्वाहिश थी, जो बचपन से मेरा माइंड सेट था ना, वो था बिजनेस पे, कि मैं अपना बिजनेस करूंगा। कौन सा बिजनेस है जो अपना होगा, मुझे भी बताओ। पापा का और ताया वगैरह का सबका अपना अपना बिजनेस है। ठीक है, सब एक साथ काम करते थे, बिजनेस उनका। तो मतलब अब्बू की कुर्सी को गर्म करूं? नहीं ना, वही तो मेरा, वही तो माइंड नहीं था कि अब्बू की कुर्सी गर्म करूं, मेरा माइंड था कि अपना कुछ करूं। तो अपना क्या बनाना है? तो बिजनेस करूंगा मैं, मतलब बिजनेस भी क्या होता है? देखिए बिजनेस होता है लोहे का, हाँ, होता है बिल्डिंग बनाने का, होता है एल्युमिनियम का, होता है सोने का, होता है जागने का, होता है लाइक के बिजनेस में मैं गाड़ियों को भी कर सकता था। सही है, वो भी करने का इरादा है, और बिल्डिंग वगैरह तो पापा का मतलब है, तो उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन अब जो शौक आ गया वो मतलब मुझे पता नहीं था। शौक आते हैं, आमद आती है, शौक आते हैं, कितने शौक आए ये तो खुद ही हो गया, क्योंकि मैं लाइक टिकटॉक जब बना रहा था, बेसिकली बना रहा था, तो वो तो मैं ऐसे ही बना रहा था कॉमेडी के लिए, को किसी को भेज दूं या दिखा दूं कि मैंने कितनी अच्छी बनाई। मतलब आपको फेमस नहीं होना था? फेम नहीं, शुरू शुरू में नहीं होना था, शुरू शुरू में नहीं होना था। अब हो गया तो अब फेम तो आपने सर पर नहीं लिया, आज नहीं है, 3 साल पहले। अभी सर पर लिया है? अभी तो ले लिया है। कितना लिया? तो अब संभाल के चलना है, अब संभाल के चलना है। फेम को संभाल के चलोगे तो कामयाब हो, अगर नहीं संभालोगे तो बाहर हो डायरेक्ट। फेम नहीं तो कुछ भी नहीं, फेम है तो सब है। Really? Yeah. फेम है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं। लोग बोलते पैसे, पैसे नहीं, लोगों का दिल जीतो, पैसे तो किसी को जीता नहीं जाता। ये क्या बात right? है यार, 90% जो आया है ना उस दिन अपने आप को, वो मुझे पता है, फाइनेंशियली स्टेबल रखो और फिर चीजें रखो। तो आप बोलते हो शायद क्योंकि आप ऑलरेडी एक फाइनेंशियल स्टेबल खानदान से हो, इसलिए हाँ, किसी चीज की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कमी किसी चीज की नहीं है। प्यार की कमी है? नहीं, उसकी भी नहीं। प्यार वाली की कमी है? उसकी भी नहीं है। किसी एक की कमी है? नहीं, उसकी भी नहीं। 10 की कमी है? नहीं, उसकी भी नहीं। विटामिन डी की कमी है या विटामिन सी की कमी है? कोई तो कमी होगी। मुझे कमी होगी शायद विटामिन सी की। हाँ, मैं तो सोच रही थी ये बोलेगा मुझे लोगों को कमी है विटामिन मी की। पर खैर तुम बताओ तुम्हारा क्या सीन है 10 साल आगे? हाँ, 10 साल आगे वो है कि एजुकेशन मुझे सबसे पहले कम्प्लीट है। शुक्र अल्लाह का यार, बच्ची ने अच्छी बात बोली, ओ माय गॉड, सब शुक्र करो, आमीन। हर टिकटॉकर को हमें बताना पड़ता है एजुकेशन पूरी करो प्लीज। हाँ, वो बहुत जरूरी होता है। वो मुझे डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह। ओए अल्लाह, फोकस चाइना रहेगी लोगों की नफ्स से ना बढ़ती जाएगी। रबीका, आजकल तो डॉक्टर टिकटॉक बना रहे, तुम डॉक्टर बनोगी? नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगी और अपना जो फेम वगैरह है वो सब मैं साइड में रखूंगी, ताकि साइड में। कितने साइड में? पूरे साइड में या इतने साइड में? नहीं नहीं, दोनों को साथ में, लाइक पढ़ाई भी पूरी, लाइक ये देखो ये दो दोस्त भी साथ रखते हैं। ये इसको शौक है दोनों को साथ रखने का। मुझे बताओ प्यार या दोस्ती एक तरफ, तुम्हें क्या चूज करोगे, प्यार या दोस्ती? हमेशा दोस्ती। दोस्ती प्यार नहीं? कभी सोचा नहीं ना कभी किया, तो प्यार तो खैर बहुत दूर की बात है। नहीं, दोस्ती प्यार हुआ ही नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कोई ऐसा बंदा जो तुम बोलो यार इसको देखकर मैं पिघल गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा आया ही नहीं। खैर बाकी ऐसा एक्टर हो जहाँ आपने बोला हाय अल्लाह मियां हो तो ऐसा? नहीं, मैं बता रही ना, मुझे एहसन खान बहुत पसंद है। एहसन खान? जी बिल्कुल, वो मेरे फेवरेट एक्टर है। लाइक बहुत अच्छे लगते उनके लुक्स वगैरह, और वो है भी बहुत अच्छे, डाउन टू अर्थ। वैसे एहसन बहुत सारे लोग पसंद। वाह, वेरी वेरी नाइस। हम देखते हैं ये सख्त लौंडा कहाँ पिघलता है या नहीं पिघलता। क्या बात है, क्या बात है यार, टू बी ऑनेस्ट ये जो हेयर कलर है ना, ये बड़े नेक्स्ट लेवल होता है। एट द सेम टाइम उमाइमा, वी विल मिस यू यार। पता नहीं वो फिल्म कब आएगी, मैं तो मुझे तो लग रहा है लोग है ना से पकड़ पकड़ के तंग आ जाएंगे। वो फिल्म पता नहीं कब आएगी, हम तो इंतजार कर रहे हैं नूरी नथा और इन सब का। आपको पता है किस फिल्म की हम बात कर रहे हैं? नहीं बताएं। गुंडासा, नूरी नथ,
फवाद खान, मायरा खान। ओह माय गॉड, अच्छा कौन आनी चाहिए? एक मिनट, कौन? फवाद खान नहीं, कौन सी फिल्म है? फिल्म कौन सी हो सकती है उसका? तुम मैं तनु छड़ंगा नहीं। अच्छा, तुम्हें नहीं बोल रही ये तो? अच्छा, खुद पर आ गया। ओ भाई, तुम्हें ये डायलॉग नहीं मार रही, ये डायलॉग बड़ा फेमस है, याद रखो, याद करो। सही सही, मैं तेनु छड़े, मुझे पंजाबी सही से नहीं आती। वेट कर कुड़िये, कोऑपरेट कर। हाउ ओल्ड आर यू? मैं 20, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, 20 साल के। स्टार साइन क्या है तुम्हारी? मेरी टॉरस है। टपरी मारता रहता है, जिद्दी। तुम? लिब्रा। लिब्रा, तो फिर तो बर्थडे आ रही है। बर्थडे गुजर गई। कब? 26 सितंबर। मजे मजे मजे, नाइस। वेल, अभी हम देखते हैं इन लोग का आईक्यू कितना चल रहा है। अल्लाह, वो कौन सी चीज है जो धूप में नहीं सूख सकती? आग। 5, 4 अभी मेरे तो इसका बस 3 साथ का ही ना सवाल। हाँ, तो फिर अच्छे सोच के देंगे, फिर अभी सोच के देंगे। तो सोचो, हम कल शो कर लेंगे। धूप में नहीं सूख सकती। हाँ। ये जो काम करते ना, मिली भगत ही होती है। सुनो, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, मिलकर ही करेंगे। रुक जाओ भाई बहनों, इतना सदमा तो इन लोगों को किसी चीज का नहीं लगा जब मैंने इनको भाई बहनों बुलाया। तो और सदमा चेक करो लड़कों, ये क्या हुआ? आपने आवाज दी तो हमने यूं देखा, ऐसा हुआ। यार तुम्हें पता ही नहीं है वो कौन सी चीज धूप में नहीं सूखती? हवा, पानी। पानी सूख जाता है। हसीना के करीब है वो। ओ हसीना, कहीं मतिया तो नहीं? मैं एक तरीके से मैंने, आपने हसीना बोला, मैंने हसीना के करीब। पसीना, शुक्र अल्लाह। सूख जाता पसीना भी? नहीं सूखता, निकलता है बकायदा धूप में और निकलता है पसीना। अरे हाँ, वाओ। हाँ, इनके साबुन स्लो है, वेरी नाइस। या मुझे ये बताओ, वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पाँव होते हैं? सर पे पाँव होते हैं? ये क्या है? सर पर पाँव, जरा सोचिए। तुम्हारे एक नाक के नीचे ही जवाब है, लेकिन वो नाक के नीचे सिर्फ अपनी जुबान होते हैं। सर पैर पांव। 5, 4, 3, 2, 1 मुझे बताओ, हर परिंदे का उत्तर सर पर। अरे यार, ओह माय गॉड, मुझे बताओ वो क्या चीज है जो नीचे ही आती है और ऊपर नहीं आती? जमीन। जमीन ऊपर भी आती है? ऊपर भी जाती है। दुनिया में जमीन आना ना, जो नीचे ही आती है। जमीन से नीचे ही आती है, ऊपर कैसे आएगी? नीचे आती है, ये कौन सी जमीन है जो नीचे आती है? ऊपर से नीचे आती है। ऊपर से नीचे आती है और क्या? बारिश। इसकी नई जमीन है। हाँ, बारिश। हाँ, लेकिन शुक्रिया, लेकिन मास्क जाके पॉइंट। लेकिन जब मैंने ये बोला ना, वो इसको ये याद आ गया कि जब बारिश होती है। मेरा डाउट था कि दो चीजों नहीं नहीं, इसकी दुनिया में जमीन गिरती है बारिश की। आप मलबे के नीचे मर जाओ। पर एनीवेज, कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? कहाँ से आया है? बंदे ने इतना अच्छा नाचा, ये बोल रही है कहाँ से आए हो तो? डांसर ले। तुम्हें नहीं पता, मैं 10 साल की थी जब मैंने अपना डांस पेशा। तुम कौन से एक्टर हो, कौन से ड्रामे में काम किया? मैं 10 साल से डब स्मैश से हूँ। इन मजाक कर, तुम नहीं जानते? नहीं नहीं, ये फिरोज खान थे। आपको फिरोज खान नहीं पता? पता है, देखा? तो तुम्हें कैसे यकीन आ गया जब मैंने बोला वो फिरोज खान थे? क्योंकि हमने उनको देखा, वे उनके बहुत सारे ड्रामे देखे में, बट इसमें ये तुमने नहीं देखा, इसमें लग नहीं रहे थे वो। ये बच्चों की आंखें हैं, ये टच बटन। मैं अभी इनको फिरोज खान दिखाती हूँ, दूर से नजर आता है ये है फिरोज और वो है फौजान ख्वाजा। दो अलग अलग लोग हैं, दो अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। एंड अभी आप देख लो फिरोज को, करीब भी जा सकते हो, स्क्रीन अपनी समझो। हाँ, बोलते ओ 1 2 3 1 2 3 ओ ये। अच्छा, अगर आप बॉक्सर होती तो? हाँ, आप अगर बॉक्सर होती तो? मैं तो, मुझे मारने की जरूरत ही नहीं होती। फाइट नहीं करती किसी से? नहीं, नहीं लड़ती, मेरे लिए लोग लड़ते। oh my God!
इतनी गंदी चीजी लाइन मारी अस्तग़फिरुल्लाह तौबा तौबा तौबा। एनीवेज कोई बात नहीं, अब तुम लोग की जबान कितनी तेज है। मैं ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा कि अगर ये पंच अगर रफीका को पड़ जाता तो क्या होता, तो फिर मास की खैर नहीं। क्यों? फिरोज खान ने मारा तो मास बेचारा कहाँ से आता है? नहीं मतलब अगर मास मारते तो फिर तो मास की खैर नहीं होती। मास ने बोला मैं नहीं मारूंगा, अगर ये लग जाता फिरोज का हाथ यूं होकर यूं निकल कर रफीका को, फिर तो कोई बात नहीं, लग जाता तो लग जाता। मतलब छुआ तो सही मुझे, पंच के तरीके में हो, छुआ तो है फिरोज ने मुझे वो वाली चीज। नाइस, तुम लोग को टंग ट्विस्टर्स आते हैं? मास्क को बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन हार्ड जब होते हैं ना ज्यादा तो मुझसे नहीं। कितने हार्ड? मतलब रेड़े जिसमें ज्यादा आ रहा हो ना वो नहीं होता। रे फंसता है। पहला ट्राई करते हैं आपके साथ, आपका रे 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 का मसला है। मैं तो ऐसे बोलूं, मेरा तो रे पे सबका मसला है, मेरी जबान मैं खुद ही बोलूं वो टंग ट्विस्टर बड़ी करना होगी। पर एनीवेज, केचप पापड़ पक्का पापड़ कच्चा 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 पापड़ कच्चा पापड़ पक्का 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 पापड़। बस 7-8 दफा बोल दिया। ओह नो, मैं तो मजे ले रही थी। 10 दफा बोल दिया। नहीं मैं मजे ले रही थी यार, और इतनी जल्दी बोला ना, इतनी जल्दी कोई बोल भी नहीं सकता। हम तो आपको मॉडर्न वाला देते हैं। अपर लिप लोअर लिप। अच्छा, अपर लिप अपर लिप लोअर लिप, 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 अपर लिप लोअर लिप। एक मिनट के लिए इसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपर लिप लोअर लिप की बात कर रही है, फिर इसने बोला उंगली करने के बजाय हाथ में तालियां बजाओ, वो ऐसे ही चल जाएगा। हाँ ये अपर लिप लोअर लिप, अपर लिप ये यही कर रही थी पहले तो, ये बड़ी गंदी तरह हाँ फिसली। ओके जी, अब जो दूसरा इनकी तरफ आएगा वो तो मास्क के लिए, वो तो मैं भी खुद सोच रही थी मैं बोल पाऊंगी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, पर ऐसा खड़क सिंह क्यों करता है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, 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 खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। क्या बात है, जब मां से बोलता है तो बहुत सारी लड़कियां खड़कती हैं। हां तुमने कान क्यों बंद किए? कान इसलिए बंद किए कि अच्छा लगता है, मतलब एक तरीके से टंग ट्विस्टर हमेशा मजा आता है। हाँ। कान बन, मतलब क्यों कान कंफ्यूज नहीं होता बंदा के ना, किसी की आवाज ना आए। मुझे बताओ जो गेम शो में आप टीन डब्बे मेरी टीम बोल रहे हैं वो क्या था? वो हुआ था कि ना एक डायरेक्टर था, डायरेक्टर था वो अभी नहीं, अरे मतलब डायरेक्टर बना था वो, तो वो था ही हो गया, मेरी टीम मेट था वो, सही है, तो उसको डायरेक्टर बनाया था। तो हुआ ये कि उसको बोला था कि तुम इससे कोई एक्ट ऐसा कराओ जिससे फनी हो या कुछ भी हो ना, तो उसने 2-3 मुझसे एक्ट करवाए, तो लाइन बोलो ना, तो 2-3 एक्ट करवाए, तो लाइन मारो, लाइन मार दूं, मारो चलो लाइन मारो यार, फिर ये वायरल हो जाएगा। बट एनीवेज, आखिरी टंग ट्विस्टर, लड़की ने लकड़ी से मकड़ी को मारा, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से 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 मारा। सुनो वो मकड़ी तेरे बराबर क्या मार रही है, मकड़ी तो खुश हो रही है, ये कौन सी मकड़ी थी यार, ये मकड़ी कम हो। आपने कभी छिपकली को मारने की कोशिश की? मैं तो घर में मतलब छिपकली में ही मारता हूँ, ये डार सारे सांप के काम मैं ही करता हूँ अपने घर के, छिपकली मार नहीं, आपको पता है कि छिपकली को मारो और वो छिपकली ना जबान निकालते हुए आ रही होती है, बच्चों मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वो कभी ऐसा हुआ? धूम निकल जाती है बस, अलग उसके बाद कड़पड़ी होती है, उसके बाद फिर वो उसको स्प्रे करो फिर वो गए। पर आपको पता है एक आपस की बात है, छिपकली वाहिद जानवर है जो अपनी दुम वापस उगा सकती है। सच में? जी तुम्हें को नहीं पता था? ये बात नहीं, नहीं। ये लोग दुम मारो तो मर जाती है वो, नहीं 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 वो वापस उगा सकती है, इसकी दुम वापस आ जाती है। हाँ ये हम नेचुरल जियोग्राफिक चले गए हैं, ये एक मादा, मादा ही होता है ना क्या, नर मादा पूछते हैं, उनको छिपकली की धूम वापस उगने का नहीं पता चला, जितनों लोगों को नहीं पता चला अह मुबारक हो, हमें इन्फॉर्मेशन मिली जी। हाँ छिपकली बगैर धूम भी रह सकती है। आई रबीका कौन थी ये? फिजा। अब पहचानी, बच्ची को 5 स्टार्स दिए जाए, एक स्माइली फेस भी। तुम बताओ
तुम तो भाग गए, लड़की देखे और लौंडा भाग गया। कहाँ? उधर। वो मैं देखने गया था, दिख नहीं इतनी दूर से ना मुझे। नजर दूर की कमजोर है। हाँ जी बिल्कुल। इतनी कमजोरी की? ये बचपन से थोड़ी वीक हो गई थी क्योंकि पढ़ाई कर रहा था ना। सुन, तुम्हें सेहतमंद होना चाहिए। प्रोटीन की भी कमी है। प्रोटीन की भी कमी? ये बच्चा कमजोर है। क्या आप चाहते हैं कि ये तंदुरुस्त है? ये वो मुन्ना बिस्किट वाला लड़का बन गया। देखे मैं एफर्ट जो है ना अपनी, हाँ, वो बड़ों की जितनी ही करता हूँ, भले मैं कमजोर हूँ जितना भी हूँ। okay. मैं गेम शो करता हूँ ना, हाँ, तो मुझसे बड़े लेवल के लोग हैं, हेल्दी है मुझसे, लेकिन मेरी एफर्ट उनकी जितनी ही होती। कौन हेल्दी बताओ, मोटा कौन है गेम शो में? गेम शो में एक है चैंपियंस की टीम में आमिर, आमिर वो इतना मोटा है तो बस क्या बताएं, अब बहुत ही मोटा है। क्यों आमिर, कम करो वजन। और हमारा एक दोस्त भी है, उसका नाम है खुरैम, एक मेरा दोस्त है, वो बहुत ही मोटा है। मुझसे पूछ रहा पतले कैसे होते हैं। अब मैंने बोला तो मैंने उसको पहले बोला ना खाना छोड़ दो, तो उसने बोला ठीक है मैं खाना छोड़ देता हूँ। मैंने बोला खाना नहीं छोड़ना होता, एक्सरसाइज भी करनी होती है, उसके बाद जाके आप खाना छोड़ भी दोगे, एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद चर्बी पिघलेगी, चर्बी पिघलेगी तो पतले हो गए, पतले हो गए तो हेल्दी रहोगे। और मुझे एक बात बताओ, खून पानी हो जाता है जब दोस्त ऐसे हो जाते हैं? तुमने कुछ नहीं बोला? क्योंकि मेरा कोई दोस्त ऐसा है ही नहीं। तुम्हारे भाई के बारे में बात हो रही थी। ये कहा है ये औरत? इसके भाई की बुराई हो रही है। नहीं मैंने इग्नोर कर दिया ताकि पता ना चले कि मेरे भाई के बारे में बात हो रही है। भाई के बारे में मैं तो ठा कर दूं। नहीं ऐसा नहीं होता, अच्छे फ्रेंड पे भी ठा ठू नहीं करता। भाई तो लगा दो साइड में। नहीं नहीं भाई नहीं, मेरा बहुत अच्छा है। और है? बात कैसे की मेरे भाई के बारे में? दोस्त है ना। मैंने नहीं है आपके दोस्त में? ये कोई तरीका है? तरीका जब उसने ये मजाक उड़ा रहे, जब उसने खुरैम आप देख रहे हैं आपका मजाक उड़ा रहे, जब खुरैम वही है वो देख रहा है, हैरान है। उसने बोला बहन बहन नहीं रही, मैं खुद उसको लाई अपने नन्हे मुन्ने हाथों से, वो मेरे मजाक और वो बोल रही मैंने तो ऐसे होते ही नहीं है। पता नहीं कौन सी यार, मुझे बताओ हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ। ये वो लड़कियां हैं जो यू नो गूगल पर जाकर बोलती है मेरा बे पूरा होगा तो मेरा मियाँ भी प्यारा मिलेगा। मेरा बे पूरा क्यों नहीं है, क्या ढूंढती रहती हो हाथ में? ये मेरी आदत है, मैं बताती हूँ तो मैं यूँ करती हूँ तो फिर मैं। अच्छा मेरा बे तो पूरा है, इसका सिर्फ बे ही पूरा है, बाकी अधूरा है, अधूरा ही है। पर कोई बात नहीं, ये लोग वापस अपना बे ढूंढेंगे, जब तक हम तय देख लेते हैं। यार एक सेकंड के लिए मैं समझी कोई ब्रूस ली की कोई पंच ली पुंछ ली, पर दिस इज नताशा। नताशा एक ब्रिलियंट ब्यूटीफुल वॉइस। बस ये जो आपका बंदा जो वीडियो बनाता है ना, उसको दो चपेड़े मारो, किस्मत खुदा की कहां कहां लगा देता है फोन। जी वहां देखो और वंस अगेन बताओ कि मैं 10 साल की थी जब मैंने देखो इस बच्चे का पटक पटक के नहीं एक इसका तो अब ये हर बंदा इससे मिलेगा, पहले आपको बोलना है 10 साल की फिर आप बोलने के मिलेगा। हाँ चलो जब आप मैं छोटी बच्ची थी जब मैं डस्ट मैश यूज करती थी, उसके बाद फिजिकली आया, उसके बाद मैं टिकटॉक पे, उसके बाद मैं यूट्यूब पे आई। इतना कुछ आ गया, आप ब्रेक ही दे दो, ब्रेक ही दे दो। चलो रवि का ब्रेक, अब हम चलते हैं, अब हम आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। मैंने बोला रवि का ब्रेक दो, फौरन कूदा कौन? मैं, ये माँ शब्द है क्योंकि मुझे कूदने की आदत है, क्योंकि मैं जहरीली हूं, इसे आपको पता है। हर मामले में कूदने की आदत है इनकी, ये लोग इधर उधर कूदते रहते हैं। हम वापस आ गए हैं ब्रेक से और हमारे साथ हैं गेस्ट द वन एंड ओनली मथीरा। मैं गेस्ट हो गई? ओके ओके ओके, आप बताओ ये आप लोग की केमिस्ट्री फिजिक्स कैसी है आपस में? बढ़िया आपस में, हम दोनों नहीं बहुत अच्छी है। अच्छी है, अच्छी बात है। और दानिश के साथ बहुत अच्छी है, वो भी हमें हर चीज मोटिवेट करते, बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा। आपको बोला ना कि वो मेरे फेवरेट है तो अच्छी है, फिर बहुत अच्छी। लेकिन वो आपको मारती? वो मैंने एक बार लाइफ में बताया भी था सबको कि सर आप मुझे क्यों मारते, सर ने बोला मैं प्यार में मारता हूँ। आपको हमें बताना है ये PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। BTS क्या होता है? Behind the scene. Okay, जी, so yes, हमारे सवाल तो खैर चल रहे हैं, बच्चों की दिमाग की फ्यूज उड़ा है यार, पता नहीं क्या क्या उड़ा है। ये क्या चल रहा था? ये किसको कॉल मी के इशारे चल रहे हैं? असल में आजकल ना मैं गाने बहुत अच्छे गा रहा हूँ ना गेम शो के अंदर। हाँ। तो मैं तुम गाना गाते हो? या गाने गाना ऐसा गाओ गाओ गाओ
ना, तो पहले रबी का आप गाने लेंगे प्लीज प्लीज। पहले आप में जो बैंड बज जाता है ना, ये सिर्फ होस्ट ही जाता है। नहीं नहीं यार, कोई भी गा लो, तुम मिलकर गा लो, इस्तेमाई गा लो। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार हो गया हुआ मेरे यार, मेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया डूबे तो यूं जैसे हो पा, होना था प्यार हुआ मेरे यार। बस नहीं ओके जी, तो यस बड़ा अच्छा गाया, कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम लोगों का। तुम लोग यूट्यूब पर भी हो? बिल्कुल। तुम लोग की क्या लाइक किस चीज पर तुम लोग वीडियो बनाते हो, क्या तुम लोग के सब्जेक्ट्स है? व्लॉग वगैरह होते हैं और कॉमेडी स्केच वगैरह हो जाते हैं। कॉमेडी स्केच क्या होता है? लाइक जैसे फनी, जैसे आप फनी बन जाए या मैं फनी बन जाऊँ। तुम दोनों फनी बन जाओगे मेरे शो के लिए? फनी इतने तो बन गए। नहीं कुछ और बनो यार। और मतलब कैसे बाहर आ जाए यार, तो कोई एक ऐसा व्लॉग जिसको बहुत ज्यादा रेटिंग मिल गई। मेरे तो रेटिंग भी थी 1 मिलियन व्यूज से अबव था, वो व्लॉग 10 मिनट का व्लॉग था, वो था गेम शो का। ओके, और गेम शो का ही व्लॉग सबसे अच्छे होते और ऊपर जाते बिहाइंड द सीन जो। ओके, तो बिहाइंड द सीन क्या था? बिहाइंड द सीन्स के हम लोग मस्तियाँ कैसे करते हैं और हमारी कोऑर्डिनेशन क्या है, हम गाना किससे सीखते हैं और वो हमें कैसे सिखाते हैं, और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन कैसी है, सब दिखाया। प्रोड्यूसर तालियां बजाओ, प्रोड्यूसर जिस तरह आप जवाब दे रहे थे तालियां बजाओ। एवरीवन तालियां फॉर शिरोज। नहीं मैं आपको कहीं बता दूं, शिरोज बड़ा हार्ड वर्किंग बच्चा है। जोक्स अपार्ट, अच्छा क्या बात है यार माज, ये तुम्हारी वाली एक्टिंग है। तुम तो हर चीज पर गाना बना लो, चाहे वो सुर हो या ना हो, बस या वो टूर हो, बस ये टैलेंट है। शुगर मेला होता है ना, शुगर मेला जिसको पंजाबी वर्ड है वो लगाए रखे। वैसे मुझे ये बताओ तुम लोग को कौन सबसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता टीम में? होगा टीम में हमारी सारे अच्छे, अगर टीम में एक भी बंदे की कमी होती ना तो टीम पूरी नहीं होती। नहीं यूनिटी तो है, लेकिन एक बंदा जहाँ पूछते यार बहुत ऑफ स्क्रीन, टीम में हमारे है ही तीन लोग, तीन लोग है सिर्फ, मैं और पूरे दानिश के शो में क्या तीन लोग थोड़ी है। अच्छा सामने कुछ सही है तो वो बाकी टीम नहीं है? हाँ वो तुम लोग ही टीम हो। सही सही, तो दूसरी टीम है यार वो तो आमिर को ही बोल सकता हूँ। आमिर, आमिर तुम मोटे हो। मैं नहीं बोल रही, वो ये बोल रहा, तुम मोटे हो फिर तुम वापस मोटे हो और फिर ये तुम्हें पसंद भी नहीं करता। जी पसंद तो एक तरीके से हो जाता है, लेकिन इसे आमिर क्या लेकर भागा है? रबेल का प्यार क्या लेकर रबेल? रबेल रबेल अच्छा वो लड़की, हाँ रबेल लड़की या हाँ उसके प्यार क्या क्या इतनी इतनी नफरत क्यों? नहीं उस बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। नहीं पता, नहीं उस टॉपिक पे हम बात भी नहीं करेंगे। खैर क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि उस बारे में कुछ पता ही नहीं, कुछ गलत निकल गया मुझे तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए पहले समझो बैल, जब मुझे नाम नहीं पता था मुझे जब भी ऐसा। वैसे तुम्हारा एक मंजन बड़ा वायरल हुआ था, अभी वापस वायरल करो उस मंजन को। ये मेरे पास तीन मंजन है। हाँ पता नहीं नाम तो अलग अलग से होते हैं। ये डब्बे बनाए जा, एक ये डब्बा, एक ये डब्बा और एक ये डब्बा, और एक ये डब्बा। इसमें है टिकटॉक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ठीक है? तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं 3 लाख से अबव, ठीक है? तो आप मुझे वहाँ फॉलो करें, थैंक यू सो मच। और यूट्यूब पे है मेरे 1 लाख से अबव है, तो आप मुझे वहाँ सब्सक्राइब करें। और क्या था, टिकटॉक पे आप मुझे फॉलो करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, मजा ना आए पैसे वापसी। नाइस। तुम तो मेरे इंस्टाग्राम पे हैं मतलब 7 लाख से ज्यादा। नहीं 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 रबिका, हमें एक और दफा सुनना है।
मैं 10 साल प्लीज वंस मोर ये होना चाहिए मैं 10 साल मैं जब 10 साल की थी तो मैं जब से डबमैश बना रही हूँ बट अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब मैं आपको बताती कि मेरे इंस्टाग्राम पे 7 लाख से अबव फॉलोवर्स हैं और जो टिकटॉक पे 3 मिलियन से अबव है और बात आती है ये क्या था ये क्या अच्छा काट रहा है मैंने तो अपना मंजन बेच दिया ये कसाई बन गई ये मैंने क्या बोला इसके हाथ में सब कुछ है ये लकीर है ना ये लकीरों पर चलती है मैं बस लकीर की फकीर हूं और बात आती है YouTube की तो YouTube में 200K सब्सक्राइबर्स हैं और उससे अबव हैं तो मैं वो ही बोलूंगी कि वहां पे जाके सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बहुत सारी वीडियोस अभी नई भी आ रही है पुरानी भी है उसको देखना मत भूलिए वैसे एक सवाल है जो हर बंदा अलग अलग जवाब देता है अलग अलग लोग फाइनेंशियली ये तुम लोगों को कितना सपोर्ट कर रहा है टिकटॉक करता है यूट्यूब करता है ऑफकोर्स बोल तो आप लोग को एक प्लेटफॉर्म भी दे रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी यूट्यूब इंस्टा ये सारी चीजें YouTube बहुत हमें सपोर्ट करता है लाइक उससे भी हमें बहुत अर्न होता है ओके और Instagram पे भी ज्यादा होता है बिकॉज प्रमोशंस आती हैं हर चीज ब्रांड की प्रमोशंस होती है तो हम वो करते और TikTok नहीं TikTok से आई डोंट थिंक सो क्या मैं यू गाइस डोंट नो नहीं क्योंकि यहां काफी एक बंदे ने तो यहां बोला कि यार TikTok से तो किसी ने Vigo भी ले ली Vigo ले ली TikTok हां Vigo ले ली जब नहीं बिल्कुल टिकटॉक पे ऐसा कुछ भी नहीं है यार कैसे ये मेरा सोच पर चली गया ऐसे ये वो गलत बात करी होगी टिकटॉक से सिर्फ हमें फेम मिलता है और आप कितना लाइक हाउ मच डू यू अर्न वो तो प्रमोशन पर डिपेंड करता है लाइक किस लाइक YouTube पर भी YouTube पर हाँ व्यूज पे डिपेंड करता है कि अगर आपके 100K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो जितने व्यूज आएंगे उतना आप अर्न करते हैं डॉलर्स में ओके तो वो फिर भी एटलीस्ट कितना लाइक 1 लाख 2 लाख हाँ 1 लाख 2 लाख बिल्कुल ऐसे हो जाता है मैं तो कोई अर्न नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह से क्योंकि मैंने इस पर इतना फोकस नहीं किया अपने सोशल मीडिया ये बिल्कुल सेविंग में डाले हुए अब ये वो है अब मैं सब कुछ कर रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अब वो पैसे चाहिए अभी देखिए मेरे पे इतना फोर्स नहीं है घर वालों की तरफ से हाँ वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ अल्लाह का करम है सब कुछ ठीक है घर में तो मुझे इतना कोई फोर्स नहीं करता तो इस पर मेरा ध्यान भी नहीं देता मैं किसी के लाइक किसी की प्रमोशन नहीं करता मेरी प्रमोशन ऑफ है इंस्टाग्राम पे आप अपने 3 बटे बस मैं ये बोलता हूँ कि फॉलो करना मुझे पसंद नहीं है तो पैसे वापसी बोल दिया ना बस का तो पैसे कैसे वापसी दोगे देखिए एक डायलॉग होता है मशहूर कि अगर तुमने ये पूरा नहीं किया अगर ये खराब चीज हुई ना तो पैसे वापसी हालांकि पैसे देता भी नहीं एक डायलॉग है तो डायलॉग की तरह मैंने इसको हाँ जी तो आप आमिर के लिए वैसे हम सब मजाक शजाक करते रहते हैं तो आमिर आपके लिए जो मैंने किया था ना वो एक मजाक था वो भी हमारी टीम का हिस्सा है पूरी और बहुत ही अच्छा है दिल तो उसका बहुत साफ है जरूरी नहीं है चैंपियन खराब है तो खराब है कोई भी खराब है लेकिन चैंपियन खराब है तो खराब है लेकिन एक एक कंट्रोवर्सी से निकल कर बाहर निकलेंगे फ्राइंग पैन से आग के अंदर कूदेंगे लेकिन आमिर में एक बात बोलूं आमिर यहां बैठेगा आएगा जी और फिर आमिर को भी हम मौका देंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं किएगा क्योंकि सब अच्छे हैं मैं यही बोलना चाह रहा हूँ सब अच्छे हैं वो तो बस एक मजाक का हिस्सा था जो मैंने मजाक किया था वरना तो आमिर दिल से क्या बात है यार क्या बात है थैंक यू सो मच गाइस डू सपोर्ट 50 एट द सेम टाइम आप लोग हमारे गेम शोज मिस नहीं करें फहीम का हो दानिश का हो या फैसल कुरैशी का हो या कटाकट हो ये सारे शोज प्लीज देखें सपोर्ट करें क्योंकि हम प्रमोट करते हैं नए टैलेंट को थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़